एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। आप सभी के क्वेरी पर ये वीडियो बेस्ड है। लास्ट सिक्स मंथ के इकोनॉमिक्स और फाइनेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आपके बैंक्स के एग्जाम मुझे पता है कि आने वाले हैं, लाइक SBI, IBPS के एग्जाम्स जो भी आ रहे हैं, उनके इंटरव्यूज, रिटन एग्जाम्स, प्रीलिम्स, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। MCQs के फॉर्म में ये क्वेश्चंस होंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। DMRC के मेरे वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते थे और उसी तरीके से मैंने इस वीडियो के लिए भी काफी शॉर्ट करके इस वीडियो को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करें। सो जो इसका PDF है वो myexamnotes.com पर ऑब्वियसली आ जाएगा। आप वहां पर चेकआउट करते रहना रेगुलरली, और मैं PDF और भी क्वेश्चंस अपलोड वहां पर करता जा रहा हूं। नाउ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नाउ वी मूव टू The questions part of it. SBI card has partnered with Dash to offer global benefits and privilege for consumers in India. Indian consumers के लिए SBI card ने किसके साथ partnership किया, आपको ये बताना है। अपने premium category cards को लेकर तो American Express के साथ इन्होंने tie up करा है, और इनका जो premium category card जैसे Elite हो गया या Prime हो गया, उसके लिए ये basically ये सुविधा, ये partnership कर रहे हैं ताकि इनका जो global reach है वो अमेरिकन एक्सप्रेस के नेटवर्क के थ्रू बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर इसको ले सकें। नाउ इसमें कुछ रॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं, लाइक आपको फ्री लॉन्च वाला समय मिलेगा या फिर वेलकम बोनस मिलेगा, ट्राइडेंट होटल, विस्तारा जैसे में आपको फैसिलिटीज मिल सकता है, बोनस पॉइंट एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो ये सब इस पर फैसिलिटी है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट, अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ इन्होंने इसको पार्टनर किया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च बाई, किसके द्वारा लॉन्च किया गया शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी? पहले आंसर बता देता हूं, SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया ना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट इट? अभी ये थोड़ा सा अपने आप में एक नए तरीके का चीज है, क्योंकि कई बार आप जब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेते हैं तो सिर्फ आप तक वो एप्लीकेबल होता है, अगर आपको कुछ होता है तब आपके फैमिली को क्लेम मिलता है। बट इस केस में आप क्या कर सकते हैं, एज अ शगुन गिफ्ट आप गिफ्ट कर सकते हैं अपना जो इंश्योरेंस है वो किसी भी आदमी को, अपने फैमिली मेंबर को, अपने ड्राइवर को, नौकर को, किसी को भी आप ये गिफ्ट कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के लिए। द थिंग इज कि इसमें जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए 18 से 65 ईयर्स के बीच में, वो पर्सन होना चाहिए जिसको आप ये इंश्योरेंस गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक यूनिक तरीके का एक्सीडेंट कवर आप कह सकते हैं। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टाइड अप विथ विच अमंग द फॉलोइंग IT फर्म टू सेटअप सेंटर इन स्टेट? तो कौन से IT फर्म को चूज किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा? अब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है, जगनमोहन रेड्डी हैं, और आंसर यहां पर मैं बता देता हूं, बॉस्टन ग्रुप को चूज किया गया है। बॉस्टन ग्रुप क्या करेगी कि आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट IT लोकेशन पर अपना फर्म सेटअप करेगी, जहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और उससे एसोसिएटेड बहुत सारे रोजगार खुल सकते हैं। काइंड ऑफ IT हब बनाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ के गवर्नर कौन है अगर आपसे पूछ दिया गया, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूज है, तो विश्वभूषण हरिचंदन नाम है यहाँ के गवर्नर का, ठीक है। कौन सी कंपनी है? बॉस्टन ग्रुप। अच्छा, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम, ठीक है, ये याद रखना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशोकाम इज, अब AOSCHAM का फुल फॉर्म क्या होता है ये समझ लीजिए, एसोसिएटेड मेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं एशोकाम। एक तरीके का ये नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन और एडवाइजरी ग्रुप है या बॉडी है। और ये किस तरीके से काम करता है, तो जो भी इनिशिएटिव्स लिया गया है और जो इश्यूज हैं उनके बीच में ये एक तरीके का इंटरफेस की तरह काम करता है, ठीक है। और एशकॉम के बारे में आपको ज्यादा जानना है तो गूगल करके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि अभी प्रेजेंटली यहां पर एक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं, उनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है विनीत अग्रवाल, ठीक है। इससे पहले कौन थे, तो विनीत अग्रवाल से पहले जो सेकेंड ऑप्शन आपको दिखता है, निरंजन हीरानंदानी, ये हुआ करते थे, लेकिन अब इनको रिप्लेस करके विनीत अग्रवाल रहेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की पांचवी सबसे बड़ी इकॉनमी फिलहाल कौन है? नाउ लास्ट ईयर 2019 में कौन थी, इंडिया हो गई थी फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी, लेकिन अब नहीं है। अब कौन है, तो यह है UK। तो यहां पर ये कौन, अभी लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा या अगर न्यूज के टच में होंगे तो आपको पता होगा कि इंडिया है, तो आप आंसर फटाक से इंडिया मार के आ जाएंगे। बट द थिंग इज कि अब जो पेंडेमिक के बाद जो सिनेरियो आया है उसके बाद UK है। अभी आपको एक इंपॉर्टेंट यहां पर बात बताता हूं, एक थिंक टैंक है UK की जिसका नाम है CEBR,
इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। इनका ये दावा है कि अभी फिलहाल तो यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन 2028 तक कौन बन जाएगा, तो चाइना बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक के बाद जो ग्रोथ रेट देखा गया, जिस तरीके से रिकवरी हुई है इकोनॉमीज की, उसमें चाइना का अभी भी देखिए तो पॉजिटिव रिकवरी है, जिससे जो गैप है वो काफ़ी कम हो गया है। अब क्या है कि ये पहले फोरकास्टेड था कि 2033 तक चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन ये 5 साल पहले शिफ्ट हो गया है और अब हो जाएगा ये 2028 में। और इंडिया 2030 तक जापान को भी ओवरटेक कर लेगा और बन जाएगा वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ऑर्डर ये हो सकता है यूएस, फिर चाइना और फिर इंडिया, बट एट प्रेजेंट यूएस, चाइना और जापान है। सो दिस इज अबाउट द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट एवर कोऑपरेटिव बैंक टू बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाउ स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि SFB, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की पहली ऐसी बैंक जो जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया गया RBI के द्वारा, तो ये है शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। और ये देखिए, ये जो बैंक है करीब 31 ब्रांच है इसके, 250 एजेंट्स है, 4 लाख कस्टमर है, और UP MP के सेक्शन में ज़्यादा ऑपरेट करती है। 1100 करोड़ से ऊपर का इनका टर्नओवर है। लेकिन अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये कि क्या होता है SFB का, मतलब क्या होता है, कई लोग इसको नहीं समझ पाते। तो एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए ये बना होता है बैंक। देखिए RBI अब ऐसा है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं या देश की जो नामी बैंक्स हैं, वो बहुत छोटे छोटे इंटीरियर एरियाज में ऑपरेट नहीं कर पाती। तो वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब कि आर्थिक बढ़ोतरी वृद्धि कैसे की जाए, तो यहाँ पर छोटे छोटे बैंक्स को RBI पावर देती है, या फिर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको पावर देती है कि वो वहाँ पर ऑपरेट करें, और वहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, फार्मर्स हैं या फिर छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, SMEs हैं, उनको वो टैकल कर सके, जिससे जो, और उसको कौन गवर्न करेगी, तो उसको RBI गवर्न करती है ऊपर से, तो इनडायरेक्टली RBI का वहाँ पर पकड़ रहता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन होने में हेल्प भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से SFB काम करता है। और ये जो बैंक है शिवालिक या SMCB इसको बोलते हैं, SMCB, इन ये अपने अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम कर रही है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म से और फिनटेक का यूज़ भी इनके CEO कर रहे थे कि जब ये इनको दिया गया दर्जा, तो एक मीटिंग में ये बोल भी रहे थे कि हम किस तरीके से डिजिटल पावर को इन्हेंस करना चाहते हैं और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर। सो मूविंग अहेड, ADB साइंड 132.8 मिलियन लोन विथ इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन द स्टेट ऑफ। एशियन डेवलपमेंट बैंक $132.8 मिलियन का लोन साइन करी है किसके साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, किस स्टेट के लिए, ये आपको बताना है, तो ये है मेघालय के लिए। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है किस चीज़ का है, बिजली का है। सो टू इम्प्रूव या मॉडर्नाइज कह सकते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इलेक्ट्रिसिटी का। अभी देखिए आप यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कन्फ्यूजिंग थिंग कि मेघालय में वैसे तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि भाई जब हो चुका तो ये तो स्टेट होगा ही नहीं ऑप्शन है, बट आंसर इज मेघालय ओनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटीरियर एरियाज में ओवरलोड के कारण कई बार पावर कट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो सब स्टेशन हैं वो काफ़ी पुराने हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हैं, और वो अब लोड उठाने के काबिल नहीं है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर 23 नए सब स्टेशन तैयार करेगी, प्लस 45 सब स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जाएगा ताकि ये लोड उठा सके, तो जिससे जो बिजली में फ्लक्चुएशन है या पावर डाउन की समस्या है वो कम की जा सके। सो ओवरऑल आंसर इज मेघालय, राइट। नाउ इंडियन गवर्नमेंट एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन 231 मिलियन डॉलर डील टू इंक्रीज द पावर जनरेशन कैपेसिटी इन, किस स्टेट में ADB ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन अप किया है ताकि जो पावर जनरेशन कैपेसिटी वो बढ़ाया जा सके, तो वो है असम में। अब ये देखिए यहाँ पर आंसर अलग है, और वो आंसर दोनों क्वेश्चन थोड़े सिमिलर लाइन के हैं, इसलिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है असम में, और 120 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट बनना है, लेकिन किस रिवर के ऊपर है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये रिवर है कोपली रिवर, और ये ब्रह्मपुत्र से आता है, और ये जो रेड वाला सेक्शन आप देख रहे हैं ये है कोपली रिवर, और इसी के ऊपर ये पावर जनरेशन का काम किया जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वियतनाम विल इम्पोर्ट विच अमंग द फॉलोइंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वियतनाम इंडिया से राइस इम्पोर्ट करेगा। अब भी देखिए वेरी इंपॉर्टेंट GK, कि वियतनाम जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है,
लेकिन फिर क्या जरूरत पड़ गई कि वियतनाम इंडिया से राइस इंपोर्ट कर रहा है। अभी पेंडेमिक के कारण जो वहाँ पर यील्ड है राइस का वो कम हो गया, और जो लोकल प्राइस है राइस उगाने का या फिर उपजाने का वो 9 सालों में सबसे ज़्यादा हो गया, जिसके कारण इंडिया एक सुटेबल इंपोर्टर लगा वियतनाम को, क्योंकि इंडिया में जो पर टन की कीमत इन्होंने जिस हिसाब से लिया है वो 310 USD पर टन का रेट से लिया है, और करीब 70,000 टन इनको इंपोर्ट करना है इंडिया से और इंडियन ट्रेडर से। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी एक बात है कि जो वियतनाम है आने वाले समस्या में आने वाले दिनों में पैंडेमिक के कारण और या फूड इनसिक्योरिटी के कारण वो अपना राइस का स्टॉक बचा के रखे हुए, बहुत ज़्यादा राइस उन्होंने करीब USD की अगर वैल्यू में टर्म्स में बात करें तो 2,70,000 USD का इन्होंने करीब इस राइस स्टॉक करके रख लिया है, और इंडिया से ये कम दाम में राइस उठा रहे हैं। ठीक है, अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए। और रिसेंट टाइम्स में राइस ये पैंडेमिक के आसपास से एशियन और अफ्रीकन मार्केट में इंडियन राइस की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। सो आंसर इज राइस। द वर्ल्ड बैंक रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई, तो इंडियन इकोनॉमी कितने से कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? आंसर इज 29.6%। ये देखिए जो पहला क्वार्टर था पेंडेमिक के बाद उसमें ये 23.9% से हुआ था, फिर सेकेंड में ये 7.5% से हुआ था। अब ये जो रिकवरी रेट होगा 2021-22 के बीच में तो ये 5.4% के आसपास आंका जा रहा है। क्यों, ये क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट कम हो गई, हाउस होल्डिंग स्पेंडिंग कम हो गई, आप और मेरे जैसे लोग खर्चा कम करने लगे फ्यूचर को देखते हुए, लोगों को जॉब की इनसिक्योरिटी थी इसलिए वो खर्च कम कर रहे थे। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक ने यह भी आकलन किया है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ओवरऑल 4% रेट से बढ़ेगी। ठीक है, अभी इंडिया टेक्नोलॉजिकल डिक्लाइन की तरफ बढ़ गया या टेक्नोलॉजिकल डिक्लाइन वाली सिचुएशन आ गई इंडिया में। जब भी जीडीपी किसी भी दो क्वार्टर में लगातार नीचे गिरता जाता है या फिर कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में बहुत ज़्यादा गिर जाता है, इन सिंपल लैंग्वेज अगर आपको बताऊं, जैसे कि अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में 23.9 था और फिर जून से सितंबर वाले क्वार्टर में 7.5 हो गया था, तो ये इंडिकेशन है कि टेक्निकल रिसेशन इंडिया में आ गया, सो इन टेक्निकल टर्म्स। और इन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी प्रेडिक्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी करीब 9% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। हालांकि अलग अलग एजेंसीज अलग अलग रिपोर्ट देती हैं, बट दीज आर सम ऑफ द ऑथेंटिक और ऐसे वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके, सो आज के वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो इकोनॉमिक्स का होगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। सो कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। बाय बाय, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू।